नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पर बैन सही है या गलत, इस पर आज फाइनल फैसला नहीं हो पाया, लेकिन कोर्ट के बाहर हिजाब पर अपने अपने तरीके से लोग फैसला सुना रहे हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हिजाब पर एक बड़ा बयान दिया। बर्क ने कहा कि अगर लड़कियां बेपर्दा होकर घूमेंगी तो फिर आवारगी बढ़ेगी और हालात बिगड़ेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों में एक ने हिजाब बैन के पक्ष में फैसला दिया और दूसरे ने इसका विरोध किया, जिसके बाद यह मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है और अब सीजीआई को यह तय करना है कि यह मामला जो है ये कैसे आगे बढ़ेगा। इस मामले के 2 पहलू यहां पर हो सकते हैं। हम आपको बता दें, सीजीआई ये तय कर सकते हैं कि मामले के लिए बड़ी बेंच गठित की जाएगी या फिर कोई और बेंच गठित की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में विवादित बयानों का दौर जो है वो जारी है। कुछ बयान हम आपको सुनवाते हैं जो अपने अपनी सोच पर लोगों ने, नेताओं ने दिए हैं। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियाँ और या जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाजारों में, गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे, और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी नुकसान, न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। तो ये पूरा बयान आपने सुना। हमारे साथ फिरंगी महली साहब जुड़े हैं, आपका स्वागत है। सर, आपने शफीकुर रहमान बर्क को सुना, वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर बेपर्दा होकर घूमेंगी तो बाजार में वो और ज्यादा फजीहत करवाएंगी, जो उनका एक स्टेटमेंट है। आपको लगता है कि ये सही, इस तरह के तर्क जो है ये दिया जाना सही है? देखिए, किसने क्या कहा है इसकी ड्रेस पर तो हम नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मजहब में क्या कहा गया है, बड़ा मसला ये है। हिजाब जो है वो पूरी तरीके से हम लोग नज़दीक एक मजहबी मामला है, और मजहब इस्लाम में ये बात सबको बहुत आसान जबान में हम बता देना चाहते हैं कि जो कुछ भी अल्लाह ने कहा जी, आपको एक सेकंड रुकना चाहूंगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा साहब जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा साहब, आप क्योंकि सपा से आते हैं, सांसद हैं वो शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कहा कि अगर बाजार में बिना पर्दा होकर जाएंगी तो फिर वो सही नहीं है, इज्जत प्रतिष्ठा को लेकर जोड़ दिया, जो उनकी टिप्पणी है, आपको लगता है वो जायज है? इस तरह की टिप्पणी एक सांसद को शोभा देती है? वो हमेशा से गैर जिम्मेदाराना बयान देते चले आ रहे हैं लगातार, चूंकि उनकी सोच अजीब सी है। मैंने कहा ना कि जैसा भी खालिद साहब ने कहा कि एक हिजाब की बात अलग है, वो हमारे मजहब में है, लेकिन हिजाब को जहां तक अगर हम बात करें, इस तरह से लेकर वो बयान दे दें कि अगर वो बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी, तो आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके जहन में उस तरह की चीजें चल रही हैं जो तालिबानी विचारधारा है, और ये उससे दर्शाता है उनके बयानों से कि इनकी तालिबानी विचारधारा है, इनकी सोच ऐसी है कि अगर इनको कभी पावर मिले या सत्ता में आ जाए तो ये इस तरह का कानून भी लागू कर सकते हैं कि आपको पूरा ऊपर से नीचे तक बंद करके रख देंगे घर के अंदर, कि आपको पढ़ने भी नहीं जाने देना है। तो ये विचारधारा को उनको अपनी अलग करना होगा। इस्लाम ने ये नहीं कहा है कहीं पर भी, इस्लाम ने निकलने के लिए भी कहा है, कारोबार करने के लिए भी कहा है, बाहर निकलने के लिए भी कहा है, और बड़े बड़े कारोबार किए हैं इस्लाम में, हमने देखा है, हमारे बुजुर्गों ने दिखाया है, हमको पढ़ाया है, हमने देखा है। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क साहब क्यों इस तरह की बातों का बयान देकर किसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, क्यों इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, ये वही बता पाएंगे? नहीं, देखिए, एक सवाल सर यहां पर यह आता है कि एक बुद्धिजीवी वर्ग ये कहता है कि ये चॉइस का मामला है। अब चॉइस का अगर मामला है तो उसमें आवारगी को जोड़ा जा रहा है, ये कहां से जायज? क्योंकि एक कट्टरपंथी सोच जो है वो ये भी कहती है कि आप पर थोपा जा रहा है और अगर आप नहीं पहनेंगे तो आवारगी बढ़ जाएगी, या तो ये जो पहलू है क्या ये सही है, और इस सब के बीच में क्या जो ओरिजिनल बात है वो छिप जाती है? क्योंकि ये तालिबानी सोच जो आपने कही, ये एक समस्या है और इसको जब बहस होती तो उसका जिक्र किया जाता है कि ये तालिबानी समर्थक रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब के बयानों को अगर देखा जाए, पहले भी देखा जाए, तो हमेशा से तालिबान का फेवर इन्होंने किया है, तालिबानी विचारधारा का फेवर किया है, और दुर्भाग्य से ये भारत के संसद में सांसद सदस्य हैं। दुर्भाग्य है ये हमारा
कि ऐसे लोग हमारे देश के संसद के सदस्य भी हैं जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और उसके बाद भी इल्जाम हमारे ऊपर लगता है। हमारे समाज को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होना चाहिए। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है, इसके लिए माफी मांगना चाहिए उनको। हमारी करोड़ों करोड़ों बच्चियां घूम रही हैं जिस तरह से भी चाह रही हैं, आजादी के साथ घूम रही हैं। हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत है और आप किस तरह का क्या इस्लामिक कल्चर यहां पर लाएंगे? आप क्या इस्लाम का फोबिया लाकर लोगों को डराकर और अपनी राजनीति को सेकने के लिए अलगाववाद फैलाएंगे देश के अंदर? नहीं मोहसिन साहब, तो इस पर आपकी सोच क्या है? आप क्या मानते हैं कि ये चॉइस का मामला है, धर्म का मामला है, कैसे देखा जाए इसे? क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में हालांकि ये हिजाब का विवाद है, बाकी जगहों पर तो कहीं ऐसा कोई बैन नहीं है, लेकिन आपकी सोच इस पर क्या है? हालांकि मामला विचाराधीन कोर्ट में भी है। शुभांकर जी, जो विचाराधीन मामला कोर्ट में, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं ये बात जरूर वाजे करना चाहता हूं कि हमारा देश संस्कारी देश है हिंदुस्तान। यहाँ की परंपराएं ही आप देखिए, हमारे घर की बहु बेटियां बड़ों के सामने खुद ही घूंघट काढ़ कर आती हैं। आप आज करवा चौथ है, आज तमाम बहनें हमारी, आप शाम को देखिएगा क्या खूबसूरत तस्वीरें आएंगी उनकी, सर के ऊपर पल्लू पड़ा हुआ। इसी को हिजाब कहते हैं। हिजाब किसी लबादे के अंदर छुप जाने को नहीं कहते हैं हिजाब। ठीक है मोहसिन रजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी। फिरंगी महली साहब लगातार हमारे साथ बने हुए। फिरंगी साहब, आपने भी सुना कि मोहसिन रजा और उनकी पार्टी की इस पर सोच क्या थी, कैसे उन्होंने इस बात को रखा? लेकिन अब सवाल, क्योंकि विचाराधीन कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में ये मामला जो है अब बड़ी बेंच के पास जाएगा, वहां से क्या होगा वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिर सवाल यही है कि अगर ये मामला चॉइस का है, अगर अपनी मर्जी के हिसाब से चीजें हैं, तो फिर ऐसे बयान क्यों सामने आते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है इन बयानों के बाद कि जबरदस्ती थोपा जा रहा है, या एक समाज को जो पुरुष समाज है वो अपने हिसाब से ढालना चाहता है एक आधी आबादी को। ये देखिए, हम लोग किसी के ऊपर कोई चीज थोपते नहीं है। जो चीज भी अपने मजहब में है, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया या पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, वो बातें एज इट इज आवाम को बता देते हैं। अब उस पर अमल करना ना करना ये सामने वाले के अपनी चॉइस, अपनी मर्जी पर मुनसर है। आपके चैनल के जरिए से मैं इस बात को बहुत आसान जबान में लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि मजहब इस्लाम में एक इस्लामिक लॉ है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया या पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, वो तमाम चीजें वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम में आती हैं। और अल्लाह ने जो कि कुरान की सूरह अज़ाब और सूरह नूर में फरमा दिया कि जब मुस्लिम औरतें बच्चियां घर से निकलें तो अपने सर को कवर कर लिया करें, तो इसमें ये कहना कि ये मजहब इस्लाम का पार्ट नहीं है या किसी पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आप ज्यादा मैच्योर है, आप धर्म के मामलों को ज्यादा समझते हैं, लाजमी बात है, आप मुझसे कम से कम ज्यादा समझते होंगे। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं सर जब उसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से की जाती है, क्योंकि हम शफीकुर रहमान को सुनते हैं तो वो भी हदीस को ही कोट करते हैं, कुरान को कोट करते हैं, आपको सुनते हैं, तो फिर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि हर आदमी ने उसको जो उसकी परिभाषा जो व्याख्या की है वो अपने अपने तरीके से कर दिए, और सारा कंफ्यूजन इसी बीच में खड़ा हो जाता है। वो कह रहे हैं कि देखिए बाहर निकलेंगे तो आवारगी बढ़ जाएगी, तो ये तो कोट नहीं किया गया होगा कुरान में या हदीस में कि अगर लड़कियां सर पर हिजाब नहीं रखेंगी तो उससे आवारगी बढ़ जाएगी, या इस तरह की सोच को जो शख्स जिस फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसी की बात को वेटेज दिया जाता है। अगर हमारे लॉ से रिलेटेड कोई बात हो तो जाहिर सी बात है जो कोर्ट बात कहेगा उसको माना जाएगा। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई बात हो तो पार्लियामेंटेरियन की बात मानी जाएगी। उसी तरीके से मजहब से रिलेटेड कोई बात हो तो जो मजहबी लोग कहेंगे उस बात को मानी जाएगी। इसलिए मजहब में क्या कहा गया है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आसान जबान में हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहां पर किसी भी लड़की पर कोई भी चीज थोपी नहीं जा रही है। ठीक है, हालांकि स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर यह पूरा विवाद था। बने रहिए सर हमारे साथ, एक बार दर्शकों को बताते हैं जिन्हें नहीं पता कि यह विवाद शुरू कहां से हुआ था, कैसे कर्नाटक के एक हिस्से से चिंगारी भड़की और फिर देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। मामला पहले हाईकोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन दो जजों की बेंच भी किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाई। यह पूरा विवाद इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। खालिद साहब बने हुए हमारे साथ। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक बंटवारे की ऐसी तस्वीरें देश पहली बार देख रहा था। उडुपी के इस कॉलेज में दो रंग साफ साफ दिख रहे थे, एक रंग भगवा था,
हिजाब के खिलाफ खड़ी हिंदूवादी ताकतों का और दूसरा हिजाब के समर्थन में हक मांग रही छात्राओं का। ये हिजाब पर मजहबी लड़ाई की शुरुआत थी जिसकी अगली तस्वीर मीडिया में दिखी और पूरे देश की नजर में चढ़ गई। मंडिया की ये लड़की और ये तस्वीरें आपको अच्छी तरह याद होंगी। जय श्री राम के नारे लगाती कॉलेज छात्रों की भीड़ के आगे मुस्कान खान नाम की ये लड़की अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगी थी। मुस्कान खान का ये वीडियो वायरल हो गया। मुस्कान हिजाब समर्थकों की पोस्टर गर्ल बन गई। इस वीडियो ने हिजाब की लड़ाई को और रफ्तार दे दी। हिजाब की लड़ाई का एपिसेंटर कर्नाटक बना, लेकिन देखते ही देखते ये लड़ाई दायरा लांघती गई। पहले स्कूल कॉलेज के गलियारों में ये लड़ाई तेज हुई और फिर अदालतों तक पहुंचती गई। हिजाब के समर्थन में एक याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंची, लेकिन अदालत का फैसला कुछ और रहा। हाई कोर्ट की 3 सदस्य बेंच का तोड़-फोड़ फैसला था। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्कूल यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला सही है। छात्र या छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। हिजाब पर पाबंदी का कर्नाटक सरकार का फैसला भी सही है। कोई लड़की अगर हिजाब या निकाब या दुपट्टा या जीन्स पैंट पहनती है तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ आपको क्यों हो रही है? इससे आपको हार्म, किसी को हार्म हो रहा है? भाई सर पर अगर कोई पहन रहा है तो इसमें हार्म तो नहीं होना चाहिए ना। और वो कहाँ जा रही है? वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर शिक्षा हासिल करने के लिए जा रही हैं, ताकतवर बनने के लिए जा रही हैं। जैसा कि लग रहा था, हाई कोर्ट के फैसले से भी हिजाब की लड़ाई ठंडी नहीं हुई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इधर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई चलती रही और उधर सामाजिक और सियासी मोर्चे पर लड़ाई चलती रही। आज तक ब्यूरो। इधर इस पूरे मामले को लेकर वकीलों को क्या कुछ कहना है जो इस केस से जुड़े हुए थे, हम आपको उनकी प्रतिक्रिया भी सुनवाते हैं। आज जज ने, कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल करा है, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन इंफेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। जो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स की जो प्लीडिंग्स थे, आर्गुमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चन फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चन में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए। उसमें आप देखेंगे पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी, ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है, और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते हुए उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चन का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर SLP स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है, जबकि जस्टिस घुलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही सारे SLPs को अलाउ किया है। बिल्कुल। अब इसमें सवाल शुरू हुआ था कि स्कूल में यूनिफॉर्म जरूरी है या धार्मिक मामला, धर्म बड़ा या समानता, लेकिन इन सब के बीच में मामला क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए आप यहां पर इन तथ्यों को सुन रहे थे जो चर्चा यहां पर हुई है अलग अलग लोगों के द्वारा। लेकिन अब आपको सीधे गुजरात लेकर चलते हैं क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह आज मिशन गुजरात पर हैं और गुजरात गौरव यात्रा को ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हरी झंडी अमित शाह ने दिखाई है, गौरव यात्रा को अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई है। झांझर का अहमदाबाद, वो जगह जहां पर अमित शाह मौजूद हैं और यहीं से इस गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस यात्रा का मकसद है गुजरात में अलग अलग जगहों पर जाना, सरकार के कामकाज को गिनाना, जनता के बीच जाकर भाजपा के पक्ष में माहौल को बनाना। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गौरव यात्रा को अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई और
गुजरात गौरव यात्रा। गृहमंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद हैं, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। बीजेपी में अक्सर लोग इन्हें बीजेपी का चाणक्य मानते हैं, चुनावी चाणक्य कहते हैं। और अब उनके गृह राज्य गुजरात में जब ये चुनाव हुए तो उस वक्त यहां पर गुजरात गौरव यात्रा को वो हरी झंडी दिखा रहे हैं। इस यात्रा का मकसद गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाना, वहां पर जाकर जनता के बीच में माहौल बनाना, सरकार के पक्ष में माहौल बनाना और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झांझर का अहमदाबाद से। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जरा बताइए कि गुजरात गौरव यात्रा को अमित शाह ने कितनी देर पहले हरी झंडी दिखाई, इस यात्रा का मकसद क्या है, कहां कहां ये यात्रा जाने वाली है, जरा इस यात्रा से जुड़े जितनी भी जानकारियां हैं वो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा कीजिए। जी देखिए, बस अब कुछ ही मिनटों पहले जो तीसरी गौरव यात्रा है वो यहाँ से निकली है। यहाँ की तस्वीरें देखें कि यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह थे, बाकी बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है सीआर पाटिल, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और सारे जो कई सारे जो सेंट्रल मिनिस्टर्स है बीजेपी के नेता है वो सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। और वो देखिए वो गौरव यात्रा की जो रथ है वो अब यहाँ से धीरे धीरे अब आगे बढ़ेगी। ये जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद है ये धंधुका है और धंधुका से ये जो यात्रा निकल रही है ये नाथ मंदिर तक जाएगी। यहां पर आपको बता दें सवैया धाम है, वहां पर पहले अमित शाह जी ने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद यहां पर जनसभा को संबोधित किया। और देखिए ये जो पूरी गौरव यात्रा है वो गुजरात के अलग अलग विस्तार से जारी है। इसका इंपॉर्टेंस अगर जो हमें समझना होगा कि 2017 में जहां जहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, यानी कि जो पाटीदार वोट बैंक हो, ट्राइबल वोट बैंक हो, तो इन सभी जगहों से ये गौरव यात्रा जाने वाली है। लगातार उन जिलों में बता दें कि आपको जनसभा को संबोधित किया जाएगा, 7 से 10 दिनों तक लगातार जो सेंट्रल मिनिस्टर्स है, बीजेपी के मिनिस्टर्स है वो उन यात्रा में शामिल होंगे। देखिए यहाँ पर अब किस तरीके से जो यात्रा निकली है, बिल्कुल बिल्कुल आप ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरों पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक नया विवाद शुरू हुआ है, आज करवा चौथ है और इस मौके पर मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बाजारों में मोरल पुलिसिंग करते नजर आए। इसका फरमान था कि कोई मुस्लिम युवक हिंदू महिलाओं को मेहंदी नहीं लगाए। आज करवा चौथ है, पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना के लिए सुहागिनों का त्योहार। दिल्ली समेत देश के बड़े हिस्से में कल शाम बाजारों में खूब रौनक रही। बाजारों में खरीदारी और खासकर मेहंदी लगवाने के लिए शहर शहर बाजारों में महिलाओं का हुजूम नजर आया। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर हाथों में मेहंदी लगवाने की परंपरा सालों से चली आ रही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इस बार नजारा कुछ अलग था। सुहागिन महिलाएं मेहंदी लगवाने पहुंची तो बाजार में कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ता ये जांच करते नजर आए कि हिंदू महिलाओं को कोई मुस्लिम युवक तो मेहंदी नहीं लगा रहा। मेहंदी लगाने वालों के बकायदा आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। बाजार में लोगों को चेतावनी दी गई है कि करवा चौथ पर मेहंदी लगाने के लिए किसी मुसलमान को न रखा जाए। महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो इसे ध्यान में रखते हुए मेहंदी लगाने के लिए मुजफ्फरनगर में 13 जगहों पर हिंदू संगठनों की तरफ से मेहंदी सेंटर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें कि कोई मोमडन ना हो, मोमडन भाई ना हो, कोई भी हिंदू भाई से मेहंदी लगवानी है। तो आप यहाँ लड़के भी लगाए थे मेहंदी के आधार कार्ड चेक किए? हाँ, आधार कार्ड चेक किए हैं। किसी तरह कोई मामला पाया नहीं? किसी तरह कोई मामला नहीं। सब लोग हिंदू लगा रहे? सब लोग हिंदू।
हिंदू संगठन इस पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं और यहां उन्हें मुजफ्फरनगर जिले के खतौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक विक्रम सैनी का भी वैचारिक आशीर्वाद भी हासिल है। मेहंदी तो पहली बात तो घर पे ही लगानी चाहिए, तो ऐसा कोई ना कोई लगा देता है मेहंदी, लेकिन जो मुस्लिम लड़कों से मेहंदियाँ लगवाते हैं या मुस्लिम लड़के दुकान खोल कर बैठ रहे हैं, ये गलत है। उनका इरादा कुछ और होता है, लव जिहाद का इरादा होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसकी आड़ में वे लव जिहाद चलाते हैं, ऐसे कई मामले आए, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। अभी नवरात्र खत्म हुआ है और हमने देखा कि किस तरह कई शहरों में गरबा पंडालों में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर बैन लगाया गया और कहीं कहीं मुस्लिम युवकों की धरपकड़ भी हुई। और अब करवा चौथ पर मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों की ये कवायद, क्या नफरत का माहौल इतना बढ़ गया है कि त्योहारों पर दिखने वाली धार्मिक समरसता हम भूलने लगे हैं। संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर, आज तक। ऑपरेशन जमता अड़ा जो है वो आप देखिए और इसे गौर से देखने के साथ साथ समझिए कि कैसे इस फ्रॉड से आप बच सकते हैं, क्योंकि बीते साल देश के 52,974 लोग जाने अनजाने में इस बड़े ट्रैप में फंस गए और जीवन की गाड़ी कमाई जो थी उससे हाथ धो बैठे। कहीं अगला निशाना आप तो नहीं है इस ऑपरेशन जामताड़ा का? कहीं आपका मोबाइल टारगेट पर तो नहीं? अनजान नंबर से आने वाली कॉल से खबरदार। आपके मोबाइल से खाली हो जाएगा पूरा बैंक बैलेंस। शहर शहर साजिश वाला SMS खोज रहा है शिकार। बिजली बिल वाला SMS आपको बना देगा कंगाल। व्हाट्सएप कॉल आपको डर्टी रैकेट में फंसा देगी। मोबाइल पर अजनबी लिंक भेजे तो क्लिक मत करना। अगली बार कॉल उठाने से पहले रहिएगा होशियार। मोबाइल मोबाइल पता चला है, महाठग आपके पीछे लगा है। ये जो मेरे हाथों में स्मार्टफोन आप देख रहे हैं ना, इसका इस्तेमाल भारत में तकरीबन 75 करोड़ लोग करते हैं। आपके स्मार्ट को लाइफ को और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, अब मोबाइल को ही साइबर अपराधियों ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें हर रोज इसी मोबाइल पर SMS या व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस आते हैं और किसी मैसेज में उन्हें बिजली कटने की जानकारी होती है, किसी मैसेज में आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रद्द होने का संदेश होता है, तो किसी में आपको KBC से जुड़ा एक संदेश आता है। लोगों के पास जो मैसेजेस का मजमून है वो अलग अलग था, लेकिन इस सब के बीच में ठगी का ट्रैप एक जैसा और इसी मोबाइल पर मैसेज या फिर व्हाट्सएप के जरिए। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में ही चंद दिनों में 500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने संदेश पर दिए नंबर पर वापस से कॉल कर दिया कि हां जी सर बताइए हमारी लॉटरी का नंबर क्या हुआ या कनेक्शन क्यों कट रहा है या कुछ कुछ अलग बातें, और या फिर जो मैसेज पर लिंक था उस पर अनजाने में क्लिक कर दिया। अब इसके बाद वो ठगी के जामताड़ा मॉडल का शिकार बन गए हैं। आपको सावधान करने वाली एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इस रिपोर्ट को देखिएगा, समझिएगा और अपने परिजनों को भी बताइएगा ताकि वो इस ऑपरेशन जामताड़ा की ठगी से बच सके। ये आपको सावधान करने वाली खबर है, आपकी गाढ़ी कमाई को बचाने वाली खबर है।
प्रिय उपभोक्ता, आपकी बिजली आज रात 11 बजे काट दी जाएगी, क्योंकि आपका पिछले महीने का बिल अपडेट नहीं हुआ था। कृपया हमारे बिजली अफसर से तुरंत संपर्क करें। धन्यवाद। दिल्ली के रहने वाले आदेश गुप्ता, अनिरुद्ध गोयल, विनोद पंडिता और किरण सिंह जैसे सैकड़ों लोगों के मोबाइल पर संदेश की बीप बजी। संदेश पढ़ते कुछ पल के लिए दिमाग घूम गया, क्योंकि संदेश में लिखा था कि बिल अपडेट नहीं कराया तो आधी रात को बिजली कट जाएगी। हालांकि अनिरुद्ध गोयल को समझते देर नहीं लगी कि संदेश साइबर ठगी को अंजाम देने वाले गैंग का है, क्योंकि थोड़े वक्त पहले ही एक ऐसे ही संदेश ने उनके खून पसीने की कमाई को लूट लिया था। पर मैसेज आया था कि आप जो है शाम के टाइम मैसेज आया था 4-5 बजे या 6 बजे आया होगा कि जी आपकी बिजली कट जाएगी रात को 11 बजे और आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर से। तो मैंने नहीं किया कांटेक्ट, क्योंकि मुझे मालूम था 3 साल पहले मैं लुट चुका हूँ, 1,70,000 गवा चुका हूँ। कैसे क्या हुआ? वो पेटीएम KYC करके एक फोन आया, वो मैसेज आया था कि इस नंबर पे फोन कर लो आपका पेटीएम ब्लॉक हो जाएगा। अब मेरे तो उसमें पैसे थे, मैंने उसे फोन कर लिया, उसने मुझे ऐसा उलझाया 1 रुपया ट्रांसफर करो, ये करो, वो करो, इस कार्ड से उस कार्ड से, और ऐसे करते करते मेरे अचानक डेबिट मैसेज आने लगे, 99,000 एक बैंक से डेबिट हो गए, दूसरी जगह से भी डेबिट हो गए। दरअसल इन दिनों ऑनलाइन ठगी का नया हथकंडा यही मैसेज है, जिसके पीछे मॉडल्स ऑफ ट्रेंडी जामताड़ा मॉडल वाली है। ये वन ऑफ द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ ट्रेंडी है, जिसमें आपको SMS के जरिए एक मैसेज आता है, जिसमें ये बोला जाता है या तो आप अपनी KYC नॉर्म्स पूरी कीजिए, या फिर आपको ये बोला जाता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भरा नहीं गया और आज रात तक या कुछ समय के बाद आपकी बिजली जो घर में आ रही है वो बंद हो जाएगी। जो भी लोग बिजली यूज़ करते हैं वो एकदम से बिना सोचे समझे, उसमें एक लिंक भी रहता है, एक नंबर रहता है जिस पर आपने कॉल करना होता है, वो लोग बिना सोचे समझे उस नंबर पे कॉल कर देते हैं इस डर से कि कहीं वो बिजली बंद ना हो जाए। ये लेटेस्ट मॉडल्स ऑपरेंडी है, काफ़ी लोगों को इस तरीके के मैसेज रिसीव हो रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आज आदेश गुप्ता और विनोद आप बीती गौर से सुनिए। हाँ, मेरे पास एक कुछ दिनों पहले एक नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि आपका जो बिल है वो आउटस्टैंडिंग है और आपकी उसमें बिजली कट जाएगी आज रात को 6:30 बजे या 9:30 बजे, है ना। अब क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में ही हूँ, मैं अवेयर रहता हूँ इन सब चीज़ों से, तो मुझे पता है कि मैं टाइम टू टाइम पेमेंट भी करता रहता हूँ, तो मेरा ऐसे आउटस्टैंडिंग बिल नहीं हो सकता। 2-3 महीने पहले एक ये आया व्हाट्सएप मैसेज और फिर फ़ोन भी आया, अभी हम आपका लाइट शाम को 6:30 बजे काट रहे हैं, और जबकि मैं 30,000 रुपये पहले ही यहाँ दे चुका, एडवांस में हम देते हैं। मैं कह रहा हूँ 30,000 रुपये क्या 5-10 दिन में थोड़ी ख़त्म हो जाएंगे बिजली के बिल में। तो फिर मैं तो परेशान हो गया, मैंने वापस कॉल किया तो बोल रहे हैं शाम तक काट जाएंगे। मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हैं? बोल रहे हैं रामप्रस्ता से बोल रहे हैं। मैंने कहा रामप्रस्ता, मुझे तो 7 साल हो गए रामप्रस्ता में, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। पेशे से वकील किरण सिंह को भी एक ऐसा ही संदेश आया था। 23 सितंबर को मेरे को एक मैसेज आया और एक फोन नंबर था उसके अंदर, वो मैसेज में क्लियरली ये कहा गया कि आपके महीने का बिल पेड नहीं है और अगर आप हमें अभी कॉल कर लेंगी तो आपका सारा बिल पे लाइट नहीं कटेगी। ये लोग किस्मत वाले हैं जो बाल बाल बच गए, लेकिन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक 500 से ज्यादा लोगों की किस्मत ऐसी नहीं थी। इसमें हम लोगों ने कार्रवाई करी और इसमें हम लोगों ने करीब करीब 22 स्टेट्स में रेड्स कर करीब करीब 65 लोगों को पकड़ा है। इसमें जब हमने देखा तो हमने पाया कि इसमें करीब करीब 200 कंप्लेंट्स लोगों ने कर रखी है और 500 हमारे सामने ऐसे इंस्टांसेस आए जहां पर ये चीटिंग हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 60 डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद किए, 45 मोबाइल फोन बरामद किए और चेकबुक के साथ पासबुक बरामद किया है। पुलिस ने इनके 100 से ज्यादा बैंक के अकाउंट को भी फ्रीज किया है। हालांकि मास्टरमाइंड अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, यानी वो अपना नया शिकार तलाश रहा है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। साइबर ठगी के आम शिकार लोग हो रहे हैं, तो वहीं पढ़े लिखे नामी गिरामी लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं और इसके चक्कर में अपनी गाढ़ी कमाई को लुटा रहे हैं। चर्चित टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि एक्ट्रेस शुभांगी अत्री भी इसका शिकार हुई। हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने उनसे बातचीत की, ये बातचीत सुनिए आप।
शुभांगी जी, आज तक पर आपका स्वागत है। वैसे तो मतलब ये मुश्किल वाली चीज पर हम आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन पिछले महीने आपके साथ ऑनलाइन ठगी का मामला हुआ, क्या है ये मामला? सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्ते। यस, दिस हैपन विथ मी, आई हैव बीन कॉन्ड एंड एक्चुअली एक ऑनलाइन फैशन ऐप से मुझे कॉल आई एंड दे सेड कि बिकॉज आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं और आप शॉपिंग करते रहते हैं, सो वी आर ऑफरिंग यू फ्यू गिफ्ट्स। सो आई सेड ओके, सो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको 5000 तक शॉपिंग करना है और जब आप उसका पेमेंट कर देंगे तो हम आपको ऑप्शंस भेजेंगे और विद इन 2 or 3 days जो आपका गिफ्ट है वो आपके घर पे पहुंच जाएगा। आई सेड ओके। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जनरली वी हैव बीन टोल्ड दैट यू आर नॉट सपोज टू क्लिक एनी लिंक और यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी OTP और समथिंग लाइक दैट। दिस वॉज अ न्यू वे एंड देवर 3-4 people, लाइक 2 girls एंड 2 boys एंड देवर like talking to me and they were guiding me. Then they asked me my previous orders, ki how was it, how did you rate it, wo aapke products kaise the. So maine unko reply kiya. Shubhangi ji, hairat ki baat to ye hai na ki aapko shak nahi hua, matlab aap bata rahi hain kitne shatrana andaaz mein sab kuch hua, aapko shak nahi hua, ye log aapse baat kar rahe the, kya baatein kya ho rahi thi, kis tarah se wo bait kar rahe the, kya baat kar rahe the? सो फर्स्ट पेमेंट जब मेरा 5000 गया उसके बाद उन्होंने बोला नो नो मैम देर इज सम इश्यूज, आई थिंक आप 50 paisa की जगह आपने 0.05 सम अमाउंट वॉज देयर, सो दे सेड कि नहीं मैम एक बार और कर दीजिए, ये हम अभी आपको रिफंड भेज देते हैं। अच्छा, एंड देवर लाइक उनके वो कभी अकाउंटेंट से बात करवा रहे थे, कभी वो अपने सीनियर उनसे बात करवा रहे थे, तो जैसा मैंने बोला कि बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में था, आई थिंक इट इज कॉल्ड फिशिंग। तो यहीं से पूरा मामला शुरू हुआ जैसा कि आप बता रहे हैं। जब आपको पता चला कि आप साइबर अपराधियों के जाल में फंस गए हैं, फिर आपने क्या किया शुभांगी? सो आई टोल्ड देम कि आई विल स्पीक टू कस्टमर केयर आपकी कंपनी के और मैं उनसे बात करूंगी। देन फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैम आप ऑनलाइन रहिए, हम जो भी है आपके जितना भी पेमेंट है हम आपका जो आपका अलग से चला गया है वो हम रिफंड कर देंगे, मैं आपको अपने सीनियर अकाउंटेंट से भी बात करवाती हूँ। ये सारा प्रोसेस चलता रहा एंड एक्चुअली आई वॉज शूटिंग ऑल्सो दैट डे, तो आई ऑल्सो गॉट पैनिक्ड आफ्टर सम टाइम, बट तब मैंने देखा कि मेरे अकाउंट से और पैसे निकलते ही जा रहे हैं, तब फिर मैंने अपने बैंक मैनेजर को कॉल किया और उनको बोला कि अभी के अभी आप मेरा अकाउंट को ब्लॉक कर दीजिए, और लास्ट अमाउंट जो था फिर वो नहीं ले पाए। सो यस, एक मतलब पर्टिकुलर सम अमाउंट वेंट और दिस हैपेंड। तो देखिए, गांव के लोग नहीं, पढ़े लिखे जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं या और भी जो लोग काम करने वाले हैं, वो भी इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। हमारी कोशिश थी आपको जागरूक करने की कि आप भी समझदार बने, ऐसे किसी भी झांसे में ना फंसे। अब खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां पर बवाल हुआ है। खनन माफिया को पकड़ने के लिए उत्तराखंड में दबिश देने वाली मुरादाबाद पुलिस को गांव वालों ने घेर कर बंधक बना लिया। दोनों तरफ से गोलियां चली जिसमें एक ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई जबकि 5 पुलिस वाले जख्मी हैं। उधर उत्तराखंड पुलिस ने यूपी पुलिस पर सवाल उठा दिए हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में कुंडा गांव की यह तस्वीर दहला देने वाली है। खनन माफिया जफर को पकड़ने गई मुरादाबाद पुलिस के साथ गांव वालों की झड़प हो गई थी, इसी दौरान गोलियां चलने लगी। पुलिस और खनन माफिया दोनों की तरफ से गोलियां चलाई गई। इस खूनी झड़प में 5 पुलिस वाले बुरी तरह घायल हुए, इनमें से एक को गोली लगी है। पुलिस की गोली से ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई। ये घटना का ताजा वीडियो, इसमें ब्लॉक प्रमुख के घर पर पुलिस पड़ताल कर रही है। इसी वीडियो में पिस्टल भी दिख रही है। पूरा मामला ये था कि 50,000 के इनामी खनन माफिया के कुंडा गांव में छुपे होने की खबर थी, उस पर SDM पर हमले का भी केस है। मुरादाबाद पुलिस की टीम कुंडा गांव पहुंची, इसी दौरान गांव वालों ने पुलिस टीम को बंधक बना लिया। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई।
मुरादाबाद में 50,000 का इनामी था जफर, जो कि खनन माफिया था, और उसी की सूचना पे हॉट परसूट में हमारी पुलिस टीम उत्तराखंड में गई थी और वहाँ पर उनका पीछा करते हुए, जहाँ पर कुछ लोगों ने उनको हमारे पुलिस टीम को बंधक बनाया और फायरिंग भी की है। हमारे 5 कर्मचारियों को घायल हैं, इसमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं, उनको गनशॉट इंजरी भी है। सभी का इलाज यहाँ चल रहा है कॉस्मोस हॉस्पिटल में। उधर मुरादाबाद पुलिस के SSP का कहना है कि पुलिस टीम जफर का पीछा करते हुए ब्लॉक प्रमुख गुरतेज के घर पहुंची थी, जहां उसको बंधक बना लिया गया था और 2 जवानों को गोली मारी गई थी। जो नेम्ड अभियुक्त था हमारा जफर, जो SDM पे हमला करने के मामले में यहां से 50,000 का वांछित था, उसको पीछा करते हुए हमारी ठाकुरद्वार पुलिस, मतलब उसको पता लगा था कि ये जो हमारा एरिया है ठाकुरद्वार, वहाँ पे उसकी मौजूदगी पता लगी थी, उसको पीछा करते हुए गए हैं। पीछा करते उसने फिर वापस मामला किया। पीछा करते करते ये जो ब्लॉक प्रमुख बताया जा रहे हैं उसके वहां तक पहुंचे, उसने वहां पे सब पुलिस वालों को कैप्चर किया है, उसको कब्जे में कर लिया, कब्जे में करके मारा पीटा है पूरी टीम को, उस पे उसको गोली मारी है, उनके सारे असले पसले छीन लिए। झड़प के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच कर सबूत जुटाए। ये विवाद 2 राज्यों की पुलिस के बीच भी बन रहा है। उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि मुरादाबाद पुलिस ने बिना खबर के रेड की। सारे पुलिस वाले सादे कपड़ों में थे। उत्तराखंड पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। जो हमारे यहाँ के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है गुरतेज जो है, इनके यहाँ जो है यूपी से मुरादाबाद से टीम आई थी, और जो है जो यहाँ के उधम सिंह नगर पुलिस के बिल्कुल कोई भी बिना इतला दिए बिना नॉलेज के जो है टीम ने यहाँ रेड करी, और जो है जिसमें प्राथमिक दृष्टया ये हुआ है कि उसमें कोई वर्दी में नहीं था। तो अब इसकी वो की जा रही है सहनिशा की कौन लोग आए थे, कितने लोग थे, क्या थे, तो उसके लिए जो है टीमें गठित कर दी गई है। तो इसमें जो है वो फायरिंग हुई, फायरिंग में जो है जेएस ब्लॉक प्रमुख इनकी जो है पत्नी की इसमें मृत्यु हो गई है। खनन माफिया पर एक्शन जायज है, लेकिन लगता है कि मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले में उत्तराखंड पुलिस को भरोसे में नहीं लिया। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मदरसों पर जो सर्वे करवाया था उसके रुझान आने लगे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि यूपी में बड़ी संख्या में अवैध मदरसे हैं। इन्हीं अवैध मदरसों को नोटिस भेजा गया तो सियासत तेज हो गई। जिन मदरसों पर सर्वे के योगी सरकार के फरमान ने घमासान मचाया था, अब उसकी रिपोर्ट की किश्तें आने लगी हैं, तो अपने साथ नया नया संग्राम भी लाने लगी है। जो मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चलते मिले उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस से मदरसा संचालक सकते में है। उन्हें लग रहा है कि कहीं मदरसों पर ताला न लग जाए। तूफान कर रहा था मेरे अज्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कश्ती भवर में है, मदरसा कभी बंद नहीं होने वाला है, अवैध नहीं है। ये आर्टिकल 29 के तहत में हर धर्म वालों को अपने धर्म के एतबार से तालीम देने का अधिकार है, और ये हमारा हिंदू संविधानिक अधिकार है, और हम इसको देते रहेंगे। अगर आपको कुछ गलत नजर आए आप उसको रोक लगाइए, हम उसके लिए तैयार हैं। अलीगढ़ में जिला प्रशासन ने गैर पंजीकृत मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। जिले की 5 तहसीलों में कुल 103 अवैध मदरसे मिले हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में बिना पंजीकरण के ही इनका संचालन हो रहा था। आगे की कार्रवाई का निर्णय शासन स्तर से ही होगा। लगभग 103 के आसपास हैं, 100 के आसपास ऐसे मदरसे अभी चिन्हित हुए हैं जनपद अलीगढ़ में जो बिना पंजीकरण के चल रहे थे, और उसकी सूचना शासन को प्रेषित की जा चुकी है। तो अगली कार्रवाई शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना संभव होगा। उधर मुरादाबाद में भी मदरसा सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। सर्वे में 585 मदरसे ऐसे सामने आए हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे थे। इनमें से 175 मदरसे मुरादाबाद शहर में हैं। शासन के निर्देशों के क्रम में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे उनकी सूचना कंपाइल करके शासन को मदरसा सर्वे का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी मदरसों को नोटिस के खिलाफ खड़ी हो गई है। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर जांच के बाद मदरसों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो घर घर में मदरसे होंगे। तो ये इसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई हम डिग्री नहीं ले रहे किसी सरकार से कि हमें डिग्री चाहिए कि उसके लिए मान्यता प्राप्त हमें डिग्री चाहिए। कुरान शरीफ पढ़ते मदरसा
कुरान शरीफ पढ़ने के लिए खोला जाता है, वहाँ पढ़ते हैं, वो पढ़ते रहेंगे। ये 100 का 1000 भी अवैध हो सकती हैं, और इन लोगों ने ज़्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर मदरसे होगा, ये दिखते रह जाएंगे सबके सब। कुरान ना रुका है ना रुकेगा, और इनके जितना ये उंगली करेंगे योगी जी, जितनी उंगली करेंगे उतने लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिला। उधर ओवैसी भी लगातार मदरसों के सर्वे को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन बीजेपी इन सर्वे को मदरसों के हालात सुधारने वाला कदम बता रही है, जिसे लेकर मदरसा संचालक विरोध में खड़े हैं। मुरादाबाद से जगत गौतम और अलीगढ़ से शिवम सरस्वत के साथ आज तक ब्यूरो। बने रहिए, देखते रहिए आज तक।